सैनिक जाग गए हैं, सैनिक पढ़े लिखे हैं, और सबसे बड़ी बात है चाहे आर्मी हो, एयरफोर्स हो, नेवी, सबके भूतपूर्व सैनिक संगठित हो गए हैं और एक संगठन हो गया है और अपनी मांग अपने तरीके से तार्किक तरीके से सरकार के सामने रख रहे हैं। आज एक मिलिट्री सर्विस पे के ऊपर मैं आपसे बात करना चाहता हूं। एक बहुत बड़े आंकड़े, वो बहुत पुराने वेटरन्स हैं करीब 80 साल के, उन्होंने ये डाक्ट भेजा है। उन्होंने कहा है कि सारे अलाउंसेस अफसर और जेसीओ और सबके बराबर हो सकते हैं तो एक मिलिट्री सर्विस पे क्यों बराबर नहीं हो सकती। उन्होंने सभी अलाउंसेस का दिया, उन्होंने दिया है कि गैलेंट्री अवार्ड या परमवीर चक्र ये सब बराबर हो सकते हैं। अशोक चक्र सबको 12,000 मिलता है, परमवीर चक्र को 20,000 मिलता है, महावीर चक्र सेम टू ऑल 10,000 मिलता है, कीर्ति चक्र सेम टू ऑल 9,000 मिलता है, वीर चक्र सेम टू ऑल 7,000 मिलता है, शौर्य चक्र सेम टू ऑल 6,000 मिलता है, सेना मेडल, फनर अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन। उन्होंने फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस की बात की। जब सारे अलाउंसेस एक बराबर मिलते हैं तो आखिर ये अलाउंस तो बिल्कुल खुद में जस्टिफाई कर रहा है कि मिलिट्री सर्विस पे, और एक रिस्क अलाउंस है, किसको किसकी जान का रिस्क है। हम उनसे ज्यादा नहीं मांग रहे, हम उनके बराबर मांग रहे। और ये मामला माननीय हाई कोर्ट में भी उन्होंने लिखा है कि मिलिट्री सर्विस पे इज अलाउंस पेड पर मंथ इज रिस्की लाइफ इन मिलिट्री सर्विस, रिस्क इज सेम फॉर ऑल पीवीआर पब्लिक ऑफिसर्स, डिफरेंस इन एमएसपी विद सेम रिस्क इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ जस्टिस, एक्सटेंड द सेम फॉर दस फनरल अलाउंस सेम टू ऑल, कोर्ट आल्सो रिगार्डिंग द डिस्पार्टी इन एमएसपी अमंग द रैंक, इट इज ए प्रोसीडियल इन प्रॉपर डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ चैलेंजिंग इन द कोर्ट वेयर इज इन्वॉल्व स्टेटस अवार्ड। उन्होंने कहा कि पीवीआर को इसके ऊपर न्याय मिलना चाहिए दोस्तों। लेकिन एक बात और बता दूं, ये जो मिलिट्री सर्विस पे अलाउंस है, जब हम रिटायरमेंट जाते हैं तो हमारी ग्रेचुटी में जुड़ता है, हमारे हर पेमेंट के साथ जुड़ता है। लेकिन पहले एक बात बता दूं कि लीव इन कैश के साथ ये नहीं जुड़ता। लेकिन ये खबर है कि मिलिट्री सर्विस पे इज अ पार्ट ऑफ पे, ये लीव इन कैश में भी जुड़ता था, लेकिन 2017 से इसको अलग कर दिया गया दोस्तों। जैसा कि आप लीव इन कैश 300 दिन जाते हो, उसमें आपकी बेसिक पे होती है, उसका डीए होता है, एमएसपी होता है, सबका डीए मिला करके उसको डिसाइड अमाउंट निकालते थे। अभी आपने देखा होगा 2018 के बाद एमएसपी को आउट कर दिया, इससे बहुत बड़ा लॉस है और इसका कोई रिटन में प्रूफ नहीं है। पहले मिलता था, इसमें लिखा था आर्मी ऑर्डर में, आप पढ़ के कोट करिए कि ये मिलिट्री सर्विस इज द पार्ट ऑफ पे, बेसिक पे का एक हिस्सा है। लेकिन इतनी चालाकी से इसको अलग किया गया, कई जवानों को लाखों का करोड़ों का इसमें घाटा हुआ, ये एक ऑडिट रिपोर्ट कहती है। यानी अब इसके लिए मिलिट्री सर्विस पे की लड़ाई बिल्कुल पढ़े लिखे तरीके से माननीय कोर्ट के साथ हम सड़कों पे भी लेकर आए। आप जैसा हम सभी जानते हैं कि एक अधिकारी को 15,500, एक मिलिट्री नर्सिंग अफसर जो नॉन कॉम्बेटेंट है, उनको आप 10,300 दे रहे हो, जवान को 5,200 क्यों? और यही मामला अब हमारे पक्ष में जाता दिख रहा है कि हम लगातार इस बात का दबाव बनाते रहे, लगातार माननीय कोर्ट हमारा साथ देता रहे, लगातार हमारे जो सैनिक संगठन है इस बात को लेकर चलते रहे। सरकार को संज्ञान में तो गया ही गया है, अब बस मानने की बारी है।